कैसे आपकी शुरुआत हुई इस करियर में काम करने की, और ये जो इस तरह का हादसा हुआ कैसे हुआ, क्या बात है? सर, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मैं काफ़ी छोटे शहर से बिलोंग करती हूँ, और इंदौर में मुझे काफ़ी टाइम से मैं ये डांस कोरियोग्राफर का वर्क भी कर रही हूँ, मॉडलिंग भी कर रही हूँ, जिसमें मैंने काफ़ी सारे शोज़ में टॉपर भी आई हूँ मैं इंदौर के अंदर। 3 साल से मैं वर्क कर रही हूँ, और ये चीज़ें मेरे साथ में पहली बार हुई हैं। क्या आपकी डील हुई थी और किस तरह से? तो ये जो घटना मेरे साथ में हुई, इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि ये जब घटना हुई है तो बस यही कि एक छोटा सा कास्टिंग डायरेक्टर है जिनका नाम मलिंद है, वो मेरे पास आए। उन्होंने मुझे बताया कि एक अल्ट बालाजी और वेब सीरीज़ जो एकता कपूर का जो चैनल है, इस पर एक वेब सीरीज़ आएगी, आपको एक छोटा सा प्रोमो वीडियो बना कर देना है, ये बोलकर ये मुझे लेकर गए। वहाँ पर इन लोगों ने मुझे पहले तो ये कहा कि आज शूट नहीं होगा, कल शूट होगा। उस बहाने ये लोग अल्कोहल वगैरह, ऑलरेडी इनकी पार्टी चल रही थी वहाँ पर, उस बीच में इन लोगों ने मुझे भी फोर्स किया कि आप इतनी दूर से आई हो, बैठो, रेस्ट करो, उसके बाद में चले जाना, हम लोग कल शूट करेंगे। ये सारी बातें करने के बाद में उन्होंने मुझे मेरी वाइन में या कुछ मिला दिया या जो भी है, 2 से 3 पैग इन्होंने मुझे फोर्सफुली पिलाए। उसके बाद में ये चीज़ें उन्होंने मुझे काफ़ी लालच दिया, झांसा दिया कि आपको बहुत आगे बढ़ा देंगे, काफ़ी सारी चीज़ें बोली जो उस टाइम पर मैं उनकी बातों में डोंट नो कैसे आ गई। ये सारी चीज़ें होने के बाद में उन्होंने मेरा एक वीडियो बनाया और ये भी कहा कि आपके बिना अनुमति के ये वीडियो कहीं नहीं जाएगा। उसके बावजूद भी इन्होंने पोर्न साइट्स पे, अलग अलग गंदी साइट्स पे, एडल्ट साइट्स पे इन लोगों ने डाल दिया, जिसकी जानकारी मुझे अन्य लोगों से पता चली है। क्या एक्शन लिया आपने? मैंने एक्शन लिया, मैं चाहती हूँ कि जो ये लड़कियों के साथ में गलत कर रहे हैं, आज चलो ठीक है मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहती किसी और के साथ में हो। आज मेरी इस सब ये जो घटना है, इसके बाद से मेरी फैमिली के ऊपर, मेरे ऊपर काफ़ी सारे दबाव आए हैं, गाँव हर जगह से दबाव आए हैं कि ये चीज़ें, ये क्या हो रहा है। इसके बाद से शायद ही मैं अपनी करियर में अब आगे बढ़ पाऊँगी। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ, मेरा आप सभी लोगों से यही निवेदन है कि ये जो चल रहा है, मुझे नहीं पता ये लोग कितने गरीब घर से लड़कियां जो बाहर से आती है इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहती, उन लोगों को बेवकूफ़ बनाकर, उनकी ऐसी वीडियो बनाकर सोशल साइट पर ये लोग वायरल करते हैं। ये जल्द से जल्द बंद हो जाए, बस मेरी मैं यही चाहती हूँ, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ये सर बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, लड़कियों को फंसाया जाता है, झांसा देते हैं, कभी छोटी मोटी लड़कियाँ जो गाँव से जो नहीं समझती है, अभी भी नहीं आई होती, उनको फंसा कर ये बनाते हैं। और ये जो जिनके बारे में, जो मेरी घटना का मैं बता रही हूँ, ये बड़ा सा इनका चैनल है, बड़ा सा सर्कल है, मुंबई तक का इनका रिकॉर्ड है। तो मैं चाहती हूँ एक, अगर आज मैं आई हूँ, कल मेरे पीछे 2-3 और लड़कियाँ आने वाली, जिसकी जानकारी आपको न्यूज़ के थ्रू कल मिल जाएगी। ऐसे धीरे धीरे करके आपको पूरे इंदौर में पता चल जाएगा कि ये क्या चल रहा है, इनका क्या रैकेट है, क्या मकसद है, लड़कियों को इस तरीके से उनके पोर्न वीडियो बनाकर डालने का क्या मकसद है, आपको पता चल जाएगा। कितनी लड़कियों को अभी तक इन्होंने? अभी तक सर टोटल सामने 5 लड़कियां आ चुकी है। किस तरह से माइंड वॉश करते हैं वो लड़कियों को? लालच देते हैं। सबसे पहले तो लड़कियां क्या चाहती है कि हाँ हम बहुत जल्दी आगे बढ़ें। आज की जनरेशन के हिसाब से हर कोई चाहता है आसमान को छूना, इसी तरीके से लड़कियों को लालच देते हैं। लालच देने के बाद को बाद में उनको, आज की जनरेशन तो ये जो ड्रिंक हो गया, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें तो शायद मायने नहीं रखती है, तो कुछ लड़कियां ऐसी होती है ड्रिंक करने के बाद में इन्हें कुछ समझ में नहीं आता, और इनको अपनी बातों में इस तरीके से उलझाया जाता है कि उस वक्त इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है, और उस वक्त बातों में उलझा कर ही ये वीडियो बनाई जाती है फोर्सफुली, और उन्हें ये भी नहीं बताते हैं कहाँ जाएगी, कहाँ डलेगी, बस एक ऑडिशन लिंक वीडियो बनाने के नाम पे उनके साथ में धोखा करते हैं ये लोग। क्या लालच दिया था? किससे लड़कियों को लालच देते हैं? ये लड़कियों को लालच इस तरीके से देते हैं कि आपको, आप ये वीडियो बना दीजिए, आपको मुंबई जैसे शहर में, आपको एकता कपूर के प्रोडक्शन में हम काम दिलवा देंगे, आपको बड़ी मूवी में काम दिलवा देंगे, आप हम पे भरोसा कीजिए, इस तरीके का लालच देते हैं, और उनकी वाइन में या नशीले पदार्थ मिलाकर उनके साथ में ऐसा काम करते हैं। ये जो गैंग है, इन्होंने कितनी लड़कियों के साथ इस तरह की? अभी तक तो सर टोटल 5 लड़कियां सामने आई है, अब हमें नहीं पता, अगर आप पूरी जानकारी लड़कियों से लेंगे तो शायद पता नहीं इंदौर की कितनी लड़कियां और सामने आ जाएंगी। आपको शिकायत करने के बाद कितनी लड़कियां? मेरी शिकायत करने के बाद में 3 लड़कियां अभी आ चुकी हैं। अच्छा, आप कितने साल से? मैं 3 साल से कर रही हूँ इसमें काम। और ये जो आपकी बात जब इनसे हुई थी, तब इन्होंने आपको क्या बोला था और फिर बाद में क्या किया? इन्होंने मुझे पहले तो कॉल किया और इन्होंने मुझे ये कहा है कि आप, हम एक वेब सीरीज़ बना रहे हैं अल्ट बालाजी के लिए, उसमें आपको एक छोटा सा कैरेक्टर करना है, आपको एक भाई का रोल करना है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। 5 मिनट का एक्ट मुझसे करवाया गया, उसके बाद में मुझे लालच दी गई, मेरी वाइन में नशीली पदार्थ मिलाए गए, उसके बाद में ये अडल्ट वीडियो बनाया और मेरे बिना अनुमति के इन लोगों ने इस साइट पर डाला। आपको कैसे पता चला? ये मुझे अन्य लोगों से पता चला। क्या चाहती हैं आप आगे, किस तरह की कार्रवाई हो? और मैं ये चाहती हूँ सर, ये जितने भी लोग हैं, आज तो 2 से 3 लोग पकड़े गए हैं, मैं चाहती हूँ इनकी जितनी भी गैंग है,
जितने भी ऑल ओवर एमपी में जितनी भी ये सारी चीज़ें हो रही है, सबको पकड़ के इन लोगों को ऐसी सजा दी जाए कि ताकि दोबारा ये किसी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद ना करें। लड़कियों को लालच देते हैं ये, जैसे कि मैं आपको बता दूं, कास्टिंग डायरेक्टर जो रहता है नाम, ये सब जो करते हैं वो कास्टिंग डायरेक्टर करते हैं। कास्टिंग डायरेक्टर लड़कियों को ढूंढते हैं, जो लड़कियां नई फ्रेशर आती है उनको ढूंढते हैं, उन्हें बुलाते हैं, उनसे मीटिंग करते हैं, उन्हें लालच देते हैं, काम भी करवाते हैं, कुछ छोटे मोटे एड शूट उनको दे देते हैं, उन्हें उनके अंदर और लालच आ जाती है, फिर उन्हें आगे और जो मुंबई की जो टीम है उनके पास ले जाते हैं। कहीं कहीं तो इंदौर में ऐसी भी चीज़ें होती है कि मुंबई में ले जाकर लड़कियों के साथ में कास्टिंग काउच करवा सकते हैं। मैं चाहती हूँ आप इतनी ज़्यादा छानबीन करें कि सारी चीज़ें जो इस फील्ड में गंदगी में हो रहा है वो सारी चीज़ें बाहर आ जाएं। जो आपके साथ जो लड़कियां और जो हैं कंप्लेन करना, उनके साथ किस तरह से इन लोगों ने सॉल्व किया? उन्हीं के साथ इसी बस उन्हीं को भी सर यही लालच दी थी कि अच्छा सा वीडियो बना रहे हैं, आपको अल्ट बालाजी पे फेमस कर देंगे, टी सीरीज पे आपको ये वीडियो आपका टी सीरीज पे आएगा। इतना बड़ा नाम सुनकर कोई भी लड़की सर किसी भी टाइप का वीडियो आज की जनरेशन में ऑडिशन देने के लिए रेडी हो जाएगी। ऑडिशन लिंक वीडियो बनाने के नाम पे ये ऐसे वीडियो बनाते हैं और इसको एडिट करके ये लोग साइट्स पे डालते हैं, बिना अनुमति के डालते हैं, झूठ बोल कर डालते हैं। मेरा सर इसलिए, ये कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको पता भी नहीं होता है कि उनकी ऐसी वीडियो वायरल हो रही है, चल रही है। मेरा इसलिए पता चला, काफ़ी टाइम से मैंने काफ़ी अच्छे अच्छे वर्क भी किए हैं जिस वजह से मेरा नाम होने के कारण सब लोगों को पता चल गया है आज। वरना और मैं सामने इसीलिए आई हूँ क्योंकि मेरा इसी कारण पूरा करियर खत्म हो चुका है, इतनी साल की मेहनत मेरी बर्बाद हो चुकी है। कितना पैसे की डील की आपके साथ? मेरे साथ में इन्होंने एक छोटा सा, जैसे कि बताया मैंने कि एक बाई का कैरेक्टर का बोला इन्होंने कि एक वेब सीरीज में आपको छोटा सा कैरेक्टर करना है, उसके बाद में इन लोगों ने कहा था कि आपको पर डे का 10,000 मिल जाएगा, एक दिन का शूट का इन्होंने 10,000 का बोला, जो कि नॉर्मल साड़ी का एक शूट था बस, जिसमें कोई अडल्ट कोई बोल्ड सीन्स नहीं थे, ना मुझे पैसा दिया और मेरे साथ ये उन्होंने हरकत करी। इनका कोई फिनोज मूवी करके चैनल है, उन लोगों को इन्होंने 1.5 लाख में बेचा और गलती उनकी है कि बिना एग्रीमेंट के, बिना आर्टिस्ट के एग्रीमेंट के उन लोगों को ये वीडियो नहीं लेनी चाहिए। बिना एग्रीमेंट के उन लोगों ने ये वीडियो लिया, 1.5 लाख रुपए में बेचा और उन्होंने अपनी साइट में डाली। मैं चाहती हूँ सर ये सबको जेल में डाला जाए, सबको पकड़ा जाए। और कितनी लड़कियां जो अभी आई हैं उनके साथ भी इस तरह से? सर अभी तो टोटल 3 लड़कियां सामने आ चुकी हैं, अगर पूरी छानबीन करें तो पता नहीं शायद कितनी और लड़कियां हैं। क्या वो इसके तार इंदौर मुंबई के अलावा और भी कहीं आगे तक जुड़े हुए हैं? लोगों का गैंग कैसे? मुंबई तक का गैंग है सर इनका, जो बातें सामने आ रही है अब तो मुंबई तक का गैंग है इन लोगों का। काम करते हैं आगे सर? ये बेचते हैं, हम यहाँ से वीडियो बनाते हैं इंदौर में कुछ लड़कियों का, कहीं फार्म हाउस ले जाकर लड़कियों की वीडियो बनाकर मुंबई में जाकर, जो मैं आपको नाम बताना चाहूँगी, राज गुर्जर जो कैमरामैन है वो वीडियो बनाता है यहाँ पे इंदौर में आकर, मुंबई से आकर इंदौर में लड़कियों की वीडियो बनाकर मुंबई में ही जो गंदी गंदी साइट्स हैं उन पर बेचता है। 1.5 लाख रुपए में सौदा करते हैं लड़कियों की इज्जत का ये लोग। ब्रजेंद्र नामक डायरेक्टर जो कि बाहर से आया हुआ है, ग्वालियर गोमत गांव दामो गांव का रहने वाला ये व्यक्ति ब्रजेंद्र सिंह गुर्जर, वहाँ से आकर इंदौर की लड़कियों के साथ में फ्रॉड पिछले 3 सालों से कर चुका है ये। और इसके साथ में ब्रजेंद्र के साथ में सर मुंबई के कुछ लोग हैं जिनका नाम आपको बताना चाहूँगी, राज गुर्जर जो कि कैमरामैन का काम करता है, विजयानंद पांडे करके एक नाम है जो चैनल पे बेचता है डायरेक्ट। मिलिंद डावर इंदौर का कास्टिंग डायरेक्टर है, इंदौर की भोली भाली लड़कियों को पहला फुसला कर लेकर जाता है वहाँ पर और असली काम करवाता है। इसके अलावा सर हमें तो नहीं पता, हमारे सामने जो बातें आ गई, हमारे साथ जो घटना हुई वो हमने आपको बता दिया है, बट मैं आप सभी से दरख्वास्त करती हूँ कि आगे से आगे जाए और जितनी इन लोगों ने जितनी भी लड़कियों के साथ में घटना की सारी चीज़ें उनके मुंह से उगलवाए। ये सर किसी को पता नहीं होता है क्योंकि जब भी इन लोगों की प्लानिंग पहले से ही होती है, नाइट के टाइम पे लड़कियों को लेके जाते हैं रात वक्त में ताकि लड़कियां आसपास की व्यूज नहीं देख सकते, लोकेशन नहीं देख पाए, रात में ही ले जाकर उनसे वीडियो बनाए जाते हैं।